प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, चूँकि आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, उस मौके पे हमारी संस्था ने पूरे 14 साल कंप्लीट किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश पांडे जी और वाइस प्रेसिडेंट हैं मुकेश पांडे जी, मुंबई प्रेसिडेंट हूँ अली खान यानी मैं। आप सब ने मुझे फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, लाइक खुदा गवाह, सर फरोश, कोहराम, मा तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, और अभी रिलीज हुई थी गदर 2। तो आज ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली हुआ, हमारे बहुत सम्मानित लोग दूर दराज से आए थे, अपने अपने डिपार्टमेंट के लोग थे, कोई एडवोकेट थे, कोई जज थे, कोई इनकम टैक्स से थे। तो आज ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली हुआ। मैं राकेश पांडे जी को, अपनी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स जो है उसकी आप सब लोग हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें और आस पड़ोस की मदद करें, यहाँ से शुरुआत करें। तो मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता। तो बस इसी तरीके से हम लोग एक 14 से 15 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरे लोगों की हेल्प करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैं वैसे कई संस्था में हूँ, कैंसर डिपार्टमेंट में भी हूँ। तो बस इसी तरीके से आज के लिए ऑल द बेस्ट, मीडिया का थैंक यू सो मच, जितने भी लोग हैं उन सबका शुक्रिया। मेरा नाम है फैयाज़ अली खान, मैं फिल्म एक्टर, और ये आज ह्यूमन राइट्स के दिन जो प्रोग्राम रखा गया था प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा, तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और सबको ह्यूमन राइट्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी खुद लें, और ये संस्था भी देती है, तो मैं इन सबसे कहूँगा कि वो पढ़ें कि अपना राइट्स क्या होता है। और ये सब प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी नॉलेज मिलती है लोगों को, अवेयरनेस होती है। तो मैं चाहूँगा ये प्रोग्राम हर साल होते रहे, 15 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं राकेश जी को भी बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहूँगा, और पापा भी इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट हैं, इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं ये सबको मुबारकबादी देना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं शूटिंग कर रहा था, आज ही मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे और सीधा मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ राकेश पांडे जी के बुलाने पे, क्योंकि पापा भी इस प्रोग्राम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का जो आज दिन है 10 दिसंबर, ये उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजन किया है राकेश पांडे जी ने। मैं उनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, और अपने सारे मीडिया कर्मियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने प्रेस वाले मेरे दोस्त आए हुए हैं कि आज के दिन यहाँ पे पहुँचे हैं। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन, चूँकि ये दिन जो है बहुत ज़रूरी है। हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए, वरना जिंदा तो हर कोई है पर जीना भी किसी का नाम है, जिसे अपने अधिकार पता है वो जी रहा है, राइट। ह्यूमन राइट्स डे, हैप्पी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे आप सभी को। अच्छा काम कर रही है, और मैं इस संस्था से भी जुड़ा हूँ फिलहाल राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी के थ्रू, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर सब लोगों ने यही बताया कि भाई हमें अपने राइट्स के लिए खुद पता रहना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं। संविधान में तो फंडामेंटल राइट्स पब्लिक को दिए गए हैं, पर जब इसका वायलेशन होता है उनको पता होता है या नहीं होता है, उनको पता रखना चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। इसलिए लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो संविधान पढ़ें, और जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको समझाएं कि भाई आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो जब सबको पता रहेगा तो सरकार में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो उनको हेल्प करने के लिए आगे आती हैं। हमारे यहाँ संविधान में इसका प्रोविज़न है कि जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है उसके लिए कानूनी प्रावधान है। तो हम सारे लोगों को उसके लिए, सबके लिए उनको हेल्प करना चाहिए। जो लीगली लुमिनरीज हैं, एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इन बातों को आगे रख सकते हैं ताकि लोगों को। देखिए, ये अवार्ड एक तरीके की शक्ति है इंसान के लिए, और जब भी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का जब होता है फंक्शन, तो मैं एक इनका एक सदस्य हूँ, और सदस्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आऊँ, जो भी मेरे लायक काम होता है तो मैं वो काम के लिए तैयार रहता हूँ। नमस्कार, जय महाकाल, हार्दिक शुभकामनाएं। और देश में सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे सबको रिजर्वेशन देता है लेकिन सबको वह सहूलियत नहीं मिलती है।
मैं यहाँ मंच से यही आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि अगर हमारी भारत सरकार सुन रही है तो देश में करोड़ों लोग इंडियन रेलवे के सिस्टम से परेशान हैं। लोग रिजर्वेशन करते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिलती है, वेटिंग में वो धक्के खा के जाते हैं, जिसकी वजह से सबके पैसा देने के बाद उनको उनका राइट्स नहीं मिलता है, उनको सीट नहीं मिलती है। प्लीज़ सब लोग जागरूक हों, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ और देश को इस ह्यूमन राइट्स के अधिकार के बारे में जागरूक करें। धन्यवाद। आज का वुमेन्स फ्रंट का जो फंक्शन 10-15 साल से हो रहा है और इतना अच्छा हो रहा है कि पूछो मत। राकेश पांडे और मुकेश पांडे ने ये अच्छी मेहनत करते और लोगों को मैसेज भी पहुँचाते, अच्छा काम करते। और मेरा नाम है अश्विन ठक्कर, एक्स सेक्रेटरी राजेश खन्ना, और आज भी मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, सब सेलिब्रिटीज के साथ, अरुणा ईरानी, मुमताज, ये सब मेरे साथ काम कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। टीना सेठ, मैं हूँ ह्यूमन राइट्स की महिला कोऑर्डिनेटर ऑल ओवर महाराष्ट्र में। तो आज मुझे सम्मानित किया गया इस अवार्ड के जरिए, तो मैं इस अवार्ड का यही भुगतान दूंगी कि मैं सभी को अपने हो सके अपनी जान से भी ज़्यादा मदद करूंगी। और जिसे भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे ह्यूमन राइट्स से जुड़ सकते हो और मेंबर भी बन सकते हैं। तो सभी को पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी ह्यूमन राइट्स डे, सभी को अपना खूब खूब शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार। ह्यूमन राइट्स ये सबके लिए बहुत मदद करती है, बहुत हेल्प करती है। ह्यूमन राइट्स एक ऐसा, इसका नाम ही अपने आप में ह्यूमन राइट फाउंडेशन राइट। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप भी कहीं ना कहीं हर जगह दुनिया में ज़िंदगी में अगर आप किसी की 10 रुपये भी मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। आपकी जो कैपेसिटी के हिसाब से आप मदद कर सकते हैं किसी की भी, जहाँ भी आपको लगे कि कोई किसी की मैं मदद कर सकता हूँ तो मुझे मदद करनी चाहिए और हर किसी को करनी चाहिए। क्योंकि ये मदद एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। क्योंकि अगर आप दुआओं में, कहते हैं ना कि किस्मत तीन वजहों से बदलती है। नंबर एक, कितनी मेहनत करोगे हाथों की लकीरें बदल जाएं। नंबर दो, किस्मत बहुत अच्छी हो कि आपकी किस्मत आप मिट्टी को छुएं सोना बन जाए। नंबर तीन, आप किसी ना किसी की दुआ लें। तो दोस्तों आप दुआएं लें और दुआएं लेना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आप दुआएं लें, दुआएं इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आपकी किस्मत बदल देंगे और आप जहां भी रहेंगे आपको पता चलेगा दिन रात दिन में बदल जाएगी क्योंकि आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन्स मदद, कुत्ता बिल्ली हर एक पशु पक्षी, हर एक इंसान की मदद करने की कोशिश करिए। आप जहाँ भी हैं, जहाँ तक भी मुझे देख रहे हैं, और आप सबका खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, मुझे भी दुआएं दें ताकि मैं भी इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर में पूरे विश्व में मनाया जाता है कि मानव अपने अधिकारों को जाने, मतलब हर व्यक्ति को पैदा होने के बाद राइट्स मिलते हैं, बराबर के अधिकार मिलते हैं। तो आज का सेमिनार था हमारा डिग्निटी फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू ऑल, मतलब सम्मान, स्वतंत्रता और सबको बराबर का अधिकार मिले। तो इस चीज़ के बारे में अवेयर कराने के लिए इस प्रोग्राम का मैंने आयोजन किया था और हर साल मैं करता हूँ, लगातार 15 सालों से मैं करता आ रहा हूँ। और आज लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से लोग, चाहे न्यायपालिका से हों, चाहे वो राजनीति से हों, हर फील्ड के लोग जो है इसके अंदर लोगों ने शिरकत की थी। और इसका उद्देश्य यही है कि आज हम आपसे दौड़ती भीड़ में हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाते हैं, तो हमें उनको उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करने के लिए हाउ टू फाइट फॉर आवर ह्यूमन राइट्स ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। थैंक यू जी मैम, आप क्या कह रहे हैं? अरे बोल दिया ना, जी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मानव अधिकार दिवस मैं अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती थी, फिर मैं भूल चुकी थी। और मैं राकेश जी का बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से याद दिलाया
और मुझे इस ये सब सोचने पे मजबूर किया है कि एक्चुअली क्या हम अपने अधिकारों को फॉलो कर भी रहे हैं। हम सिर्फ कहते रहते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, बैठ के सारी बातें करते रहते हैं, बट हम कभी उन चीज़ों के लिए कभी स्टैंड नहीं करते ना। हम किसी का सपोर्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हम अपने अधिकारों को जानें और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, सबके काम आए और ताकि लोग हमारे काम भी आ सकें। बस थैंक यू। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, न सोजे दिल हूँ न दर्दे निहा हूँ। अरे लफ्ज़ों में मुझे कहाँ ढूंढते हो लोगों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्ता हूँ। वेल फ्रेंड्स, टुडे एट दिस वेन्यू, ऑन दिस वेरी डे, एट दिस वेरी स्पॉट ऑफ द मोमेंट, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, ऑफकोर्स कपल विद ऑनर एंड प्राइड, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट वेर इन आई एम फेलिसिटेटेड एंड प्रिविलेज्ड ऑनर to receive this coveted award. And I must say that this makes me more responsible, more answerable to the masses, to the audience, to the janta. Aur main tahe dil se shukrguzar hu is function ke, is taqreeb ke munaqid karta tamam muntazimeen ka, bil khusus Rakesh Pandey sahab ka, hamare Naseem bhai ka, Naseem Khan sahab ka, jinki purzor koshishon ka natija raha hai ki aaj hum sab aapke samne hazir hain. Bas itna hi kehna chahunga is organization se ki bula lo agar bula sako to pyar se. जी हाँ दोस्तों, बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आए। शुक्रिया। माननीय राकेश पांडे, जो भोजपुरी और गुजराती फिल्मों के अभिनेता और लगभग 30 से भी ज़्यादा भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं, गुजरात में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, गुजरात का रूरल एरिया और अर्बन एरिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। पिछले 17 सालों से ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की रूप में गैर सरकारी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, मानव अधिकार की रक्षा के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की तरफ से विविध संगठनों का निर्माण किया गया है। सरकारी संस्थाओं की मदद के लिए अन्य गैर सरकारी संस्थानों का भी संचालन ऐसे संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और लगभग तमाम क्षेत्रों में राकेश पांडे जी फिल्म अभिनेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी कहीं भी किसी को भी कुछ जरूरत होती है, दो लोगों को आपस में मिलाने का काम करते रहते हैं। इस संस्था के द्वारा मानव में जागृति लाने के लिए प्रेम सौहार्द भाईचारा विश्व बंधुत्व की भावना को डेवलप करने के लिए ये संस्था द्वारा हमेशा प्रवृत्ति बढ़ा गया है। बड़े भाई श्री मुकेश पांडे जो एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, उनके साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है और ये कन्वीनर भी हैं, पैटर्न भी हैं और उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम श्री राकेश पांडे जी द्वारा किया जाता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न जगहों पर मानव अधिकारों के प्रचार प्रसार और शिक्षित करने के लिए इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए श्री राकेश पांडे और मुकेश पांडे जी हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। विजय यादव है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश लोनेपुर का ग्राम प्रधान हूँ और मैं ज़मीनी स्तर पे अपने ग्रामीणों की लगातार मदद करता हूँ और एक छोटे से प्रधान होने के बावजूद हम लोग सामाजिक ऊंच नीच की भेदभाव को दूर करने के लिए, अपने गरीब तबके लोगों को अधिकार दिलाने के लिए ये ह्यूमन मानवाधिकार को मतलब उनको जागरूक करते हैं और उनके अधिकारों को हम लोग बताते हैं कि आपका मानवाधिकार क्या है। यही हमारा कर्तव्य है, मानवाधिकार जो गरीबों को हमें आगे करना है, इसलिए हमें
अपने से नीचे से जो लोग मानवाधिकार को ना जानते हों उन्हें हमें बताना है, यही हमारा मेन मकसद है और इस संस्था के द्वारा हम आगे करते रहेंगे। आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी रिस्पेक्ट मिली है हमें, इस चीज़ का शुक्रगुजार है इस फेडरेशन के कि हमें इतने रिस्पेक्ट से इतना अवार्ड अच्छा दिया है। बस हमेशा हमें अच्छे काम करना चाहिए और लोगों के काम आना चाहिए। देखते रहिए अपने आसपास जितने भी लोग हैं, क्या पता किसको हमारी कब ज़रूरत हो और वो बता ना पाए, तो इसलिए खुद अप्रोच करिए लोगों को, उनको अच्छा काम करने उनकी दुआएं लिए, उनके साथ अच्छा काम करिए और उनकी दुआएं लिए ये लीजिए, यही हमारा कर्तव्य है और इसी के लिए आज हम सबको इस चीज़ का अवार्ड मिला है। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विमेंस के जैसे आजकल लोग आगे नहीं ला रहे हैं, आजकल औरतों को आगे आना चाहिए और हमें इस फेडरेशन से जुड़ के मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हम खुद चाहते हैं कि औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उनको आगे लाया जा रहा है, तो जो ज़रूरत है वो यहाँ पर है, इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत इज़्ज़त मिली है और हम चाहते हैं कि हर औरत को इज़्ज़त मिलना चाहिए, तो हमारा भी यही मकसद है और आप लोगों को भी मैं ये गुजारिश करती हूँ कि औरतों के सम्मान के लिए आपको भी आगे आना।